हेलो फ्रेंड्स, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग आदित्य सोम। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट जैकेट्स फॉर समर सीजन। गर्मियों का मौसम के लिए बेस्ट जैकेट जिसे पहनने के बाद आप लोगों को बहुत कम गर्मी लगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जो जैकेट होता है उनका जो क्लॉथ होता है वो हल्का थिक होता है, जिसकी वजह से हमारा गर्मी जो है वो रोक लेता है और हमें उसे पहनने के बाद बहुत ज़्यादा हीट का एहसास होता है अंदर से और हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसलिए हम उसे पहनना पसंद नहीं करते। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो पहनना पसंद करते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी लगने की वजह से वो कंफ्यूज हो गए हैं कि किस तरह का जैकेट खरीदा जाए जिसे खरीदने के बाद उन्हें गर्मी का एहसास कम हो, हीट कम उत्पन्न हो। अगर आप इन्हीं में से कोई एक हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। मैं इस वीडियो में 4 टिप्स आप लोगों को देने वाला हूं। फोर्थ नंबर टिप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे देखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस, सबसे पहला टिप्स क्या है? तो गाइस, सबसे पहला टिप्स है कि किसी ने भी पहना हुआ है, उसे आपने देखा और आपको एकदम से पसंद आ गया, आपने उससे लिंक मांगा कि कहां से आपने उसे खरीदा है, तुमने उसे खरीदा है और उसने लिंक शेयर किया और आपने जाकर उसे खरीद लिया और वो आने के बाद तो आ तो गया, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आप पर अच्छा लग रहा है कि नहीं ये आपने देखा ही नहीं। और दूसरे नंबर चीज़ कि वो उसका जो फैब्रिक है वो मोटा था, पतला था, आपने देखा नहीं। आने के बाद अगर वो मोटा हो गया, उसका जो फैब्रिक वो थिक हुआ, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने वाली, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है समर के लिए। समर के लिए कौन सा अच्छा है मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो गाइस, आपने उसे खरीद लिया और आप बाद में पछताते रह गए कि मेरा तो भाई खत्म। इसलिए किसी को भी पहने देखो तो उससे पूछो कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, उससे ज़्यादा हीट तो नहीं निकल रही, अंदर बन रही है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं लग रही है, क्योंकि समर का सीज़न है। बहुत सोच समझ के आप लोगों को खरीदना होगा, इसलिए इस सब एक क्वेश्चन तो आप उससे ज़रूर पूछना। तो सेकंड नंबर चीज़ मेरा क्या है? तो सेकंड नंबर चीज़ है फैब्रिक, उसका फैब्रिक क्या है। तो गाइस, आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि उसका, आप जब भी किसी भी कहीं से भी आप अगर डेनिम जैकेट खरीद रहे हो तो उसका आपको फैब्रिक सबसे पहले देखना है होगा। उसका फैब्रिक होना चाहिए कॉटन, और वो भी कौन सा कॉटन मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा थर्ड नंबर टिप्स में। तो उसका वो कॉटन होना चाहिए, क्योंकि वो जो डेनिम जैकेट्स होते हैं वो डेनिम जीन्स के बने हुए होते हैं और वो थिक होते हैं, और थिक होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा वो जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर, बॉडी हीट को वो एब्जॉर्ब करता है, अंदर ही रोक के रखता है, जिसकी वजह से हमें गर्मी लगती है। इसलिए आपको डेनिम नहीं कॉटन जैकेट खरीदना। तो थर्ड नंबर टिप्स क्या है? तो थर्ड नंबर टिप्स है, आपका जो भी फैब्रिक है कॉटन है तो उसमें भी आप लोगों को एक और चीज़ का ध्यान देना है कि वो फैब्रिक थिन होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो थिन होगा तो पतला होगा, इसका मतलब वो गर्मी को नहीं रोकेगा, वो गर्मी अंदर से निकालते रहेगा बाहर की ओर और आपको कम गर्मी का एहसास होगा और वो समर के लिए एकदम अच्छा होने वाला है। अब आते हैं फोर्थ नंबर टिप्स पे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और सबके लिए। वो क्या है? उस जैकेट का कलर। गाइस, तो गाइस, कलर जो होता है हमें समर सीजन में जो बेस्ट कलर होता है वो होता है लाइट कलर। किसी भी कलर का, जितना भी इस दुनिया में कलर है, जितने भी दुनिया में कलर के जैकेट्स आते हैं, उनमें से सबसे जो बेस्ट होता है वो होता है लाइट कलर समर के लिए। उस सारे कलर का जो भी लाइट शेड होगा, सबसे लाइट शेड वो आप खरीद सकते हो, जो भी आपको पसंद। वो क्या होगा, सारा का सारा जो लाइट होता है उसको रिफ्लेक्ट करेगा, सारा नहीं करता, 90% लगभग लाइट को तो रिफ्लेक्ट कर देता है, और जो वाइट कलर है वो लगभग लगभग सारा लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, सन का रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है, वो टिकने नहीं देता है और आपको गर्मी का एहसास बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए इस बात का आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और हाँ गाइस, इसके साथ साथ आपको कौन सा कलर नहीं खरीदना, तो गाइस सिंपली एक बात है, डीप कलर, डार्क कलर आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना होगा। डार्क कलर में सबसे पहले कौन सी चीज आती है? ब्लैक कलर। तो वो तो गाइस कलर ही ब्लैक है, वो डार्क, और जो ब्लैक और डार्क जो कलर्स होते हैं गाइस, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इसलिए एब्जॉर्ब हो जाता है, होने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। और वैसे भी अभी तो गर्मी कितनी पड़ रही है आप लोगों को तो पता ही है गाइस। आप मुझे कमेंट पर जरूर बताना कि आपके शहर में कितनी डिग्री टेम्परेचर है, मेरे शहर में तो डेली 40-41 हो रहा है। और गाइस, अगर आप डेनिम जैकेट ही खरीदना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि व्हाइट कलर का खरीदना। अगर आप कॉटन में भी अगर जैकेट खरीद रहे हो मेरे कहने पर, तो आप व्हाइट कलर में अगर जाते हो तो वो सबसे सबसे बेस्ट होने वाला, बस वो जल्दी से गंदा हो जाएगा, हाँ मैं मानता हूँ, लेकिन वो सबसे बेस्ट है समर के लिए। और गाइस, एक और बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप जैकेट खरीदने वाले हो तो गाइस मार्केट से खरीदो, ऑनलाइन के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ऑनलाइन में दिखाता कुछ है आता कुछ है,
ये बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ये गलती हो जाती है तो आप उसे फिर कैंसिल करो, रिफंड करो, रिटर्न करो, क्या क्या प्रोसेस होता है, बहुत ही झंझट वाला ये प्रोसेस है। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी जाओ मार्केट से देखो, और अगर आप मार्केट से खरीदते हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे कि आप देखोगे उसका फैब्रिक कैसा है, उसका जो कपड़ा है वो थिन है या नहीं, और उसका कलर अच्छा है कि नहीं, वो क्वालिटी उसकी अच्छी है कि नहीं, सब आप देख के लोगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा और सेटिस्फैक्शन आपको वहीं पे मिलेगी और आप पहन के तुरंत भी देख सकते हो वहाँ पे। इसलिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती है मार्केट से लेने। इसलिए गाइज आई रिकमेंड यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि मार्केट से ही लो। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके हो कि हमें समर्स में किस तरह का जैकेट खरीदना चाहिए, कैसा होगा कलर, फैब्रिक सब कुछ होना चाहिए, आप लोग बिल्कुल समझ चुके होंगे। अगर आपने वीडियो को बिना स्किप किए अभी तक देखा है तो आप लोग बिल्कुल ही समझ चुके होंगे, और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो आपको बिल्कुल वीडियो तो बहुत अच्छी लगी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसकी बहुत मेहनत लगती है इस तरह की चीज़ों को रिसर्च करने में, सोचने में और आपके लिए वीडियो लाने में। बस गाइस थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।